नमस्कार, फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सबका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और इस वीडियो में अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। शॉर्ट कट में इस कंपनी को PWIL के नाम से जाना जाता है। अब इस कंपनी के बारे में आज हम लोग बात क्यों करें, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने को लेकर एक हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर का कमेंट था। और भी तमाम लोग जो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है, वो चाहते होंगे इसके बारे में जानकारी पाना, तो इसलिए मैं इसके ऊपर आज वीडियो लेकर आया हूँ ताकि सबको जानकारी प्राप्त हो सके। जो लोग इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग लंबी अवधि के लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको भी इस स्टॉक के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए इस कंपनी के ऊपर आज बात करनी जरूरी है। देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले शेयर प्राइस से। तो शेयर प्राइस देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन जब मार्केट ओपन था तो तकरीबन 66 रुपये के आसपास इस कंपनी का प्राइस था, और फ्राइडे के दिन तकरीबन इसमें 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। देखिए, यदि शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जब लंबी अवधि में आप देखेंगे तो इसमें तेजी देखने को मिली है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले 6 मंथ में स्टॉक तकरीबन 17% के आसपास चढ़ा है। वहीं पर यदि 1 मंथ देखेंगे तो 1 मंथ से स्टॉक टूटना शुरू हुआ है, और 1 मंथ में तकरीबन 20% के आसपास स्टॉक टूटा है। पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो 1 सप्ताह में भी देखेंगे तो तकरीबन 7.5% के आसपास स्टॉक टूटा है, और जैसे मैंने 1 दिन में बताया तो 1 दिन में 3% के आसपास स्टॉक टूटा है। तो इसलिए जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो लंबी अवधि के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। जब आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलेंगे तो आपको नुकसान होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। देखिए, प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड की जब बात करते हैं, काम की बात करते हैं, कंपनी के नाम में वायर्स लगा है और कंपनी वायर्स बनाने का ही काम करती है। बेसिकली विंडिंग वायर्स बनाती है, लेकिन ये अलग अलग सेक्टर के लिए भी वायर्स बनाती है। आप देख सकते हैं जैसे ऑटो, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मर्स और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो कंपनी काम करती है, उनके लिए भी कंपनी वायर बनाती है। साथ में जो विंड टरबाइन होता है, जिसमें भी बहुत सारे वायर्स की जरूरत होती है, तो सभी प्रकार की कंपनियां वायर्स बनाती है और अलग अलग सेक्टर्स के लिए वायर बनाकर उन कंपनी को प्रोवाइड कराती है, ताकि उनका काम आसानी से चल सके और उससे इस कंपनी की कमाई होती है। तो ये तो काम की बात हो गई। अब फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं कंपनी के मार्केट कैप से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 1140 करोड़ रुपये के आसपास, यानी कि कंपनी जो पेनी स्टॉक नहीं है और पेनी स्टॉक से काफ़ी ऊपर की, यानी कि शॉर्ट कैप और जो मिड कैप कंपनियाँ होती हैं उनके बीच की एक कंपनी है। शेयर प्राइस की यदि बात करें तो आप शेयर प्राइस जैसे मैंने बताया कि 66 रुपये के आसपास चल रहा है, और यदि बात करें इस कंपनी के बुक वैल्यू की, क्योंकि बुक वैल्यू देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो 22 रुपये के आसपास है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू से ऊपर है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। बुक वैल्यू से शेयर प्राइस ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ROC 30% के आसपास है, जो काफ़ी बढ़िया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% के आसपास है। यानी कि ओवरऑल जो चीज़ें बेसिक चीज़ें कंपनी में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस स्टॉक में है। और सबसे मज़ेदार बात है, कंपनी समय समय पर डिविडेंड भी देती रहती है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो मैंने साल भर के इस कंपनी का चार्ट ओपन किया है, और चार्ट पर मैं आपको समझाता हूँ कुछ। तो आप यहाँ पर जैसे देखेंगे कि आपको दिखाई देगा कि अभी इस कंपनी में गिरावट चल रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। तो देखिए, हुआ क्या है कि बेसिकली जो लोग भी यहाँ पर बाई किए होंगे, और जब शेयर का प्राइस लगातार बढ़कर यहाँ तक आया है, तो थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब जो लोग यहाँ पर बाई किए हैं वो यहाँ पर निकलना चाहेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन आ रहा है, और फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है, तो ये शॉर्ट टर्म की गिरावट है, इससे आपको घबराना नहीं है। दूसरी गिरावट की वजह है कंपनी के जो क्वार्टरली नतीजे आए थे, पिछली बार Q2 के जो रिजल्ट आए थे वो भी कुछ खास अच्छे नहीं आए थे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेल्स हुआ है कंपनी को, यदि मैं आपको सेल्स दिखाऊँ तो ये सेल्स है, और देख सकते सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था, उसमें 726 करोड़ का सेल्स हुआ था, जो कि पिछले क्वार्टर में 826 करोड़ का था। यानी कि थोड़ा सा इसमें डिक्रीजिंग देखने को मिला है, ये नेगेटिव पॉइंट है। और जब सेल्स में कमी आई है तो आप यहाँ पर देखेंगे, यदि नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट यानी कि जो टैक्स ऑफ देने के बाद कंपनियों के पास बचता है, नेट प्रॉफिट कहते हैं, तो देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा कम हुआ है। पहले 17 करोड़ था, बाद में 15 करोड़ हुआ, उसके पहले तो 18 करोड़ था। यानी कि 3-4 क्वार्टर आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें कमी आ रही है, तो ये भी एक निगेटिव बातें हैं जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में गिरते हुए दिखा है। हालांकि ओवरऑल जैसे मैंने बताया, कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर थोड़ा सा यदि कर्जे की भी बात कर लें, डेप्ट देख लें कि कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट है, तो आप देख सकते हैं ये कंपनी का डेप्ट है, ये 20 करोड़ है। डेप्ट थोड़ा सा कम होते हुए दिखा है, पहले ये 22 करोड़ के आसपास था, लेकिन अभी 20 करोड़ हो गया। और जो रिजर्व पैसा होता है, जिसको फ्री कैश फ्लो कहते हैं, वो देखेंगे तो वो कंपनी के पास बढ़ा है। यानी कि ओवरऑल कंपनी का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल आपको मजबूत होते हुए इस स्टॉक में दिख रहा है। और चूंकि कंपनी वायर के बिजनेस से जुड़ी हुई है, तो आप देखिए आपके आसपास चाहे मोबाइल, चाहे लैपटॉप, या कोई भी चीज़ जिसमें वायर प्रयोग नहीं हुआ, जिसमें वायर नहीं लगा हो, ये एक ऐसा बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म में खूब चलेगा। तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी काफ़ी सही है। तो ओवरऑल यदि बात करें इस कंपनी में करना क्या है, तो देखिए कंपनी काफ़ी शानदार है। प्रिसीजन वायर्स लिमिटेड, प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड, यदि इसमें आप लंबी अवधि का नजरिया अपना चलते हैं तो ये कंपनी में आपको मोटा पैसा बनते हुए दिख सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस कंपनी के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, सवाल है, तो मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।